गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। और इस वीडियो की शुरुआत करते हैं यहाँ पर से, और दिखाते हैं आपको कैंपिंग में आपको क्या क्या करना है, क्या चाहिए क्या नहीं, क्या नहीं चाहिए होता हमको। कहीं हम रात को फंस गए या कभी ऐसी जरूरत पड़ती है तो हमारे पास सामान क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए आपको बता रहे हैं इस वीडियो में। और दिखाएंगे आपको कि हमारे पास कैंपिंग का क्या क्या सामान होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। गुड मॉर्निंग दोस्तों, अभी सुबह के हुआ टाइम 6:28 हो चुके हैं और उठते हैं हम अभी। उठने के बाद हम आपको दिखाएंगे कुछ आज कुछ खास क्या करने वाले हम, और बने रहे तब तक इस वीडियो पे। अभी हम आपको दिखाने वाले हैं बहुत कुछ, और आप देखते रहे इस चैनल पे, और बताएंगे आपको जब हम कैंपिंग करते हो या आपके दिमाग कुछ ख्याल चला होगा हमने कैंपिंग करनी थी और हमारे पास सामान क्या होना चाहिए था और क्या नहीं होना चाहिए और हमें किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी, ये हम आपको बताते हैं। ठीक है, तो अभी हम निकल चुके हैं, घर से बाहर निकल रहे हैं। अभी हम अभी दिखाएंगे आपको कैंप करके हम कहाँ जा रहे हैं, और देख रहे हैं तब तक इस वीडियो पे बताएंगे। ये है मैट, और चलते हैं फिर। मेरा स्लीपिंग बैग मेरे पास है। ये है मॉर्निंग नज़ारा, दिख रहा है वैसे अच्छा भी दिख रहा है। ये बर्फ़ भी है जतुल की, इस मॉर्निंग व्यू है। हम लोग यहाँ पर लगाने वाले हैं टेंट, टेंट कैसे लगाते हैं हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। और हमारे पास जब हम कैंपिंग करने जाते हैं हमारे पास क्या सामान होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, हम आपको दिखाएंगे।
दोस्तों हमारा टेंट फाइनली फिट हो गया है, आपको दिखाएंगे। बता रहे हैं आपको पास क्या क्या होना चाहिए। हमारा सचिन भाई, ये हमारा बैग, इस बैग का नाम है रक्षा बैग। ये रक्षा बैग है, इसके अंदर काफी सारा सामान आ जाता है। जो ये बैग है इसके अंदर ना बहुत काफ़ी सारा सामान आता है। हेलो दोस्तों, वेलकम आपका, आइए हमारे टेंट में और आपको भी वेलकम करेंगे और आपकी शादी करने करेंगे।
रेगुलर। यहाँ पे बन रही है हमारी चाय। पहले हमारे पास जो हम कैंपिंग करना आते हैं तो हमारे पास पहले होना चाहिए टेंट, जो मैंने आपको दिखा दिया है। उसके बाद जो हमारे पास होना चाहिए है वो चाहे हमारे पास स्टोव खाना खाना बनाने के लिए। नहीं चाहिए वो भी करते हैं मन। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। और आपको दिखा दिया मैंने आज की वीडियो में, तो ये आप उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। Yes. क्या ये मजा आ गया? कैसी बनी चाय? मस्त है, एकदम एक नंबर चाय। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी आपकी कमेंट में बताना और भूलना मत। और जो आपको बताया हमने कि हम आपको दिखाते हैं कैंपिंग में क्या क्या सामान होना चाहिए, सबसे पहले ये है हमारा स्टूल।
आपको सामान हमारे पास क्या होना चाहिए। एक ये है, एक हमने यूज कर रखा है। सूज पर कमी हमारे पास हमसे टेंट, उसके बाद हमसे हमारे पास मेट, उसके बाद हमसे स्लीपिंग बैग जो आप देख पा रहे होंगे, ये अपना रिक्शा बैग है। इसके अंदर काफ़ी सामान आते हैं, कहते हैं कि 1.5 क्विंटल तक सामान आ जाएगा इसके अंदर। उसके बाद उनसे हमारे पास गैस आपने देख दिया होगा, ये है अपना मिनी स्टूल, उसको कहीं भी ला सकते हैं आप। हेलो दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। होप करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और लाइक और शेयर करें ना भूलें। थैंक यू। हेलो दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और आपने देख दिया इस वीडियो में कैंपिंग कैसे करना है, कैंपिंग के लिए हमें क्या क्या सामान होना चाहिए, और हमारे पास क्या नहीं होना चाहिए, वो आपने देख दिया इस वीडियो में। और कमेंट और लाइक और शेयर करना ना भूलें। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बड़ी बड़ी चेक करो, टाइम जाना इसने। इस वीडियो को करते हैं पे एंड। वेब करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू। और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि नोटिफिकेशन आपको आती रहे। इस प्रकार वीडियो हमको दिखाएंगे, नेक्स्ट टाइम में हम कैसे करेंगे हम आपको दिखाते रहेंगे।
कैसी कमी होगी हमारी, जो हमारा सामान है तो इसका हम कमिंग करेंगे। एक डेमो था दिखाने के लिए क्या क्या सामान चाहिए। हाँ, ये आपको डेमो दिखा दिया। अब कैंपिंग होगी बड़े बड़े पहाड़ी इलाकों में जहाँ अच्छा व्यू होगा, सब कुछ अच्छा होगा। लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना।